हेलो फ्रेंड्स, अखिल पांडे शो 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम ट्राई कर रहे हैं अभी जो नया एक शो चल रहा है हुनरबाज इन कलर्स टीवी, उससे कोई अगर अच्छा जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस हो उस पर अपना रिएक्शन देने के लिए दो हुनरबाज का हमने एपिसोड्स का कपल ऑफ जो भी क्लिप्स हमको अच्छा लगा था उस पर रिएक्शन दिया था। बहुत मजा आया था दोस्तों देखने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पेज पे जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज भी हमने एक ऐसे ही एक परफॉर्मेंस लिया है हुनरबाज से आकाश सिंह का। वो एक मुझे जिमनास्ट है आई गेस, वो पोल वगैरह में जहाँ बैलेंसिंग एरियल एक्ट करते हैं उनका है। उनका स्टोरी भी बहुत अच्छा, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। एंड परिणीति चोपड़ा को बहुत भागे हैं वो उनके एक तरह से भाई बना चुके हैं। वो बहुत अभी पॉपुलर हो चुके हैं, बहुत अच्छा है, इमोशनल जर्नी भी उनको हमको देखने में मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने सोचा कि उनका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है ऑडिशन वाला जो आई गेस राउंड है हुनरबाज का, जो वहां पे वो सिलेक्ट होते हैं, जहां पे सबको आकाश के बारे में मालूम चलता है, वो हमको देखने मिलेगा। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, आकाश का जो फर्स्ट परफॉर्मेंस इन हुनरबाज है ये देखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों, अगले हुनरबाज आकाश के नई तकदीर की शुरुआत होती है। ये मंच मेरे भूखे पेट को भर सकता है, क्योंकि जब मैं मुंबई आया था तो मेरे सबसे पहली लड़ाई भूख से थी। कुछ पैसे वैसे नहीं थे, बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखते थे मुझे, भगवान से मनाते थे कि कोई खाने के लिए पूछे, बट मुंबई में कौन किसको पूछता है सर। तो बतला दे, क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। कहाँ से हो सर? मैं बिहार भागलपुर से हूँ, बट मैं मुंबई में रहता हूँ सर। उम्र क्या आपकी? सर मेरा उम्र 25 ईयर है सर। नर्वस क्यों लग रहे हो? सर मैं एक शो के लिए मुंबई आया था 2018 में, बट यहाँ आने के बाद वो शो ने मुझे कभी कांटेक्ट ही नहीं किया। ओह, मतलब मैं आज तक कभी ये स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया हूँ दादा। तो अच्छा अच्छा, आप लोग खुद ये मुझे लग रहा है कि पहली बार आए हो तो थोड़ा नर्वस हो, लेकिन इतना बता सकता हूँ चेहरे से बदन से सफर बहुत कड़क रहा होगा यहाँ तक। जी तो दादा, मुझे थोड़ा पानी मिले। हाँ, पानी दे दो इनको। चलो डरा दे रहा है ये वाला, पूरा पूरा जगह पर रुक रहा, देखना सबको देख देखो रहना रहे वो पूरा अपना कॉन्फिडेंट और पैर हाथ पे वो चीज की वो रुकना है वहां पे। ये डरा दे रहा बेचारी प्रेग्नेंट है वैसे भी, किया यार मेहनत बेचारा।
99 डिजर्व करता है, मैंने सबको ऑडियंस भी बहुत अच्छा लगा है, मैंने यार बनाया भी नहीं। मुझे दिख रहा है ना, आप एक सच्चे इंसान हो और आपने इतना अच्छा काम किया है, आज के बाद आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो इंटरनेशनल लेवल वाला परफॉर्मेंस है यार, ऐसा नहीं, वो भी क्लैरिटी क्लीन था पूरा, ऐसा भी नहीं कि कोई कुछ, पूरा स्टेबल था। जब बजाते, जब सोने पिड़ा के उन लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया तो बस कुछ रहने की कोई जगह नहीं थे, ना ही कुछ पैसे थे मुझे घर वापस जाने के लिए। सुनी वो बोला कि ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं किया, वो सोने का जगह नहीं था। वापस जाने का वो पसंद नहीं था। मैं ज्यादा शिवाजी पास में रहता हूँ, पेड़ के पास। अब एक सर मिले तो उस सर ने फिर मुझे उठा के जगह दिया, उन्होंने मुझे रखा। सर का आज के बाद कभी नहीं होगा। आपका काम अब बोलेगा, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और पूरा हिंदुस्तान, और हम आपको आगे बढ़ाएंगे और आपकी जिंदगी में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। आपको जिंदगी में जो चाहिए आपको उससे भी ज्यादा मिलेगा, आप बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो, आप देखना इस शो पे। ऑल द बेस्ट। आकाश, जब मैं ऐसी कहानियां सुनता हूं और जब मैं ऐसे परफॉर्मेंसेस देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये कायनात का एक अपना ही जज सिस्टम है। हर एक इंसान का एक वक्त आ जाता है और हर एक इंसान में आप जैसा हुनर है ना, मैं बस चाहता हूँ वक्त जितनी जल्दी आ जाए उतना ही बेहतर है। आपने अभी कहा बार बार आपने रिजेक्शंस पाई, लेकिन मैं ये भी बता दूं आपको आकाश कि आपके नाम में आपकी तकदीर है। आप उसी आकाश को छूने वाले हो, उसी आकाश को आप रूल करने वाले हो, क्योंकि ये मंच कोई छोटा मंच नहीं है आकाश, यहाँ सपने साकार होते हैं। पूरा भारत देखेगा कि एक पेड़ पे लेटा हुआ बंदा कैसे एक बड़े मंच पे आ सकता है, लोगों के दिल जीत सकता है, नाम इज्जत कमा के यहाँ से जा सकता है एक महान कलाकार बनके। ऐसा कोई नहीं होगा इस देश में जो आकाश का नाम नहीं लेगा। तो भरनी भी बहुत इमोशनल है। और ऐसे हुनर को मैं सलाम करता हूँ जो वाकई हमारे देश की शान है। अनबिलीवेबल। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब 1 से 10 के फाइनलिस्ट तो होंगे, ये तो मुझे अभी दिख रहा है। अगर उस दिन आप रिजेक्ट ना होते तो आज एक ऐसा शानदार हुनरबाज हम देख नहीं पाते। ये इतना निखूत, इतना फ्लॉलेस, कोई तो सिखाता होगा आपको। सिक्के आया, कौन से सिक्के आया था, बट ये मैं नहीं करता था, बट ये पूरे लॉकडाउन में गांव नहीं जा पाया तो ये प्रैक्टिस मैं शिवाजी पार्क में ही करता हूँ, जहाँ मैं सोता था, जिस पेड़ के नीचे उसी पेड़ पे करता हूँ मैं, जहाँ पे सोता था नीचे वही पेड़ में। ओ भाई, वहाँ पे पोल लगा हुआ है पार्क में, तो उसी पोल पे मैं करता हूँ। अभी तो बड़ा के यहाँ पे क्यों किया यार? आपका घर कैसे चलता है, आप कैसे आप चला दो? मैं तो कुछ नहीं दे पाता, नहीं मैं घर वाले से ले पाता हूँ, क्योंकि मेरे घर के भी हालात सही नहीं है, तो
घर वाले नहीं दे पाते, तो मैं सिर्फ काम करता हूँ। सुबह सुबह दूध की गाड़ी आती है ना सर, उससे दुकान पे दूध डिलीवरी करता हूँ सर। सुबह सुबह माने 4:30-5 बजे 6 बजे उठने का। और बोरीबाजी में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता हूँ, दादर स्टेशन के बाजू में पैम्पलेट वगैरह वो सब डालता हूँ, कुछ पैसे आ जाते हैं जिससे मेरा थोड़े बहुत जरूरत पूरे हो जाते हैं। नहीं तो रात को गुरुद्वारा लंगर है दादर के ईस्ट में, उधर ही जाके खाता हूँ दादा। रोटी भगवान को बोलता था कि कोई तो खाने को ले पूछ ले एक बार, तो ये किसी को नहीं जानता था मैं। यार तुम रोना नहीं, रोना नहीं, आपको यकीन होगा अगर मैं कुछ बोलूंगा तो होगा। तो सुनो, ऐसा एक टाइम था जब मुझे लगा था कि हीरो तो दूर, एक्टर मुझे कौन लेगा, तो सूरत अच्छे नहीं थे, तो मैं सोचा मैं ऐसे कोच बनाऊंगा तो मैं विलेन बनूंगा, बट डांसिंग विलेन बनूंगा। तो मैं डांस करता था, ये सोच के मैं लिंकिंग रोड वहाँ जिम में मैं जाता था बॉडी बनाने के लिए। लेकिन तलवाकर साहब आए, देखा कि सुबह 6 बजे एक लड़का आता है, दरवाजा खोलता है और कहता हूँ उनको देखा, मुझे पूछा तुम क्या करते हो, बोले सर मैं ऐसे आया हूँ बॉम्बे में काम मिलने के लिए। काम करते हो, बोला नहीं। तो बोला 30 रुपया तो मैं दे नहीं सकता, क्या मैं आपका जिम साफ कर दूंगा तो चलेगा? तो मैं रोज आके जिम साफ करता था, तो इसलिए मुझसे 30 रुपया नहीं लेते थे। मैं झाड़ू मारता था, जिम क्लीन करके एक्सरसाइज करता था। खाने की बात, मैं रहता था कोलीवाड़ा सायन, वहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज के उस पास सब सरदारजी लोग के बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट थे। मैं रोज रात को 10 बजे के बाद वहाँ खड़ा हो जाता था और सरदारजी मुझे रोज देखते थे, झूठा नहीं, ये सब की रोटी खिलाते थे। अरे बंगाली रोटी खाला बेचने के बाद रोज रह जाते थे, वही खाता। साइंस से साउंड स्टूडियो पैदा जाता था, पैदा लाता था ताकि वो पैसा बच जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अपने सपनों को मजबूर कर दो, अपने सपनों को इतना मजबूर कर दो कि वो शर्मा जाए। तुम बिहार से आए हो ना, और जो हुनर तुमने दिखाया है सारे बिहार वालों को बोलता हूँ, अगर गर्व करना है, फखर करना है, तो आकाश जैसे इंसान को फखर करो। सला भीख तो नहीं मांगा किसी से, भीख नहीं मांगी, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बदनामी नहीं की, किसी के साथ गलत काम नहीं किया। एक हुनर पे खड़ा हुआ है, एक हुनर बास के इस मंच पर मैं सुपैसी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। एक एक लड़ाकू आदमी कभी रोता नहीं है, डोंट क्राई में रोना और उसको बोलना कि तुझे मजबूर करूंगा, वेट। थैंक यू, जो बहुत सच्चे लोग होते हैं ना, मेरा दिल टूट जाता है। थैंक यू। दादा वही अच्छी अच्छा बोला, हुनर पे उसको रहना है, सिंपैथी विंपैथी नहीं, वो वैसे कर भी नहीं रहा है। वही बोल रहा हूँ, ऐसा रहना चाहिए, आने जाए वो ना खुद को चल जाएगा, भगवान को मजबूर करना, वही बोल रहा हूँ। चढ़ गया भाई ऊपर तो अरे यार डर के चढ़ना, ऐसे हमेशा स्टेज पे डर के चढ़ना और फिर चढ़ के नहीं डरना। जीत के जाऊंगा यार, मुझे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। क्या बात, जरूर होगा, जरूर होगा, बस करो। अभी रोने के दिन गए, रोने के दिन गए, खत्म हो गए, खत्म हो। परिणीति तो पूरा मजा आया परफॉर्मेंस देखे दोस्तों, एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी भी था, परफॉर्मेंस भी जबरदस्त था, हाई क्लास था, पूरा वो बोलते हैं ना इंटरनेशनल लेवल का था, और एकदम क्लीन था उनका जो भी पोस्चर, वही फ्लॉलेस जैसे बोल रहे थे, क्लीन था, क्योंकि मतलब दिखता है ना कभी कभी जैसे थोड़ा शेक होगा बॉडी या कुछ की एफर्ट डाल रहे करके, वो एफर्ट दिख ही नहीं रहा। मजा यार, वो जो
वही जो दिखा रहे थे कि शिवाजी पार्क में कैसे वो जो जर्नी उनका वो सबसे ऐसे ही बंदे लोग पूरा वो स्ट्रांग बनते हैं ना। मुझे हमको और कुछ ऐड करने का दोस्तों इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि जितना भी था दादा ने ही पूरा वो इतना अच्छा सा चीज बोला वो उनका खुद का जर्नी भी सुनने मिला वो सब देखिए तब कितना लाइफ है। हमको ऐसा लगता है कि जब सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो हमको बस उनका सक्सेस ग्लैमर शोबिज़ दिखता है, हमको पीछे का जो हार्डवर्क है डिटर्मिनेशन है वो जो बोलते हैं जो ऊपर वाला को मजबूर कर देने का वो स्टोरी जब मालूम चलता तो कितना अलग लगता है ना दादा। ये तो नॉर्मली दादा हमें तो कॉमेडी करते हैं नितिन दा, अभी देख कितना अच्छा सब स्टोरी सब देखने मिला, मजा आ गया दोस्तों। पूरा जजेस इमोशनल थे, मुझे पीछे भी पब्लिक भी जो मुझे थोड़ा देखे तो वो भी बहुत इमोशनल थे, हमको भी पूरा इमोशनल आ गया उनका स्टोरी सुन के और इनका बात सब जजेस का सुन के स्ट्रगल सब देख के बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों देखेंगे अगर होगा तो आकाश का इसका बात का भी जो परफॉर्मेंस है उस पर भी हम जरूर रिएक्ट करेंगे। तो ठीक है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।